हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आया हूँ मैं अपने चैनल पर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जो रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है, यानी जिसकी परीक्षा कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है, वो डेट जो है 17 तारीख है, लेकिन अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। एडमिट कार्ड कुछ दिनों के बाद आने वाले हैं, तो आपको पता चल जाएगी आप सभी का एग्ज़ाम कब होने वाला है और कहाँ होने वाला है। तो इसी भर्ती को लेके ग्रुप डी की एक नोटिस रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से आया है। ये फेक नोटिस नहीं है, बिल्कुल सच है ये। ऐसा कुछ नहीं है कि ये झूठ मूठ का नोटिस है, आप चाहें तो ऑफिशियल साइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने बताया है इसमें जो सीबीटी जो है एग्ज़ाम, उसमें जो ये क्वेश्चंस हैं, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस और टाइम क्या है इसके लेके, और सब्जेक्ट में किस किस के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसको लेके इन्होंने एक नोटिस निकाला है। मैं आपको ये पूरा नोटिस दिखा देता हूँ, देखिए आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। देखिए, ड्यूरेशन ऑफ सीबीटी इन्होंने बताया कि 90 मिनट्स, और बाद में इन्होंने लिखा है 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, यानी कि 90 मिनट का ये एग्ज़ाम होने वाला है, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 120 मिनट इन्होंने रखी है, यानी कि 2 घंटे, और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने 1.5 घंटे का वक्त रखा है, यानी 90 मिनट्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस की जो संख्या है, प्रश्नों की संख्या, वो 100 होगी। और उसके बाद देखिए, इन्होंने नीचे ये भी बताया है कि किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर पे मैथमेटिक्स रखा है इन्होंने, और इसमें इन्होंने बताया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी 25, यानी 25 में क्वेश्चन आएंगे, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, जिससे आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग बहुत सारे सब लगभग सभी को पसंद है और आती भी है, तो ये तो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट वाला सब्जेक्ट रहेगा। और जनरल साइंस देखिए, 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, तो इसके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनों के लिए तो बहुत अच्छा है। देखिए, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि उनके 30 क्वेश्चन, तो टोटल ये 55 क्वेश्चन तो यही हो गए हैं। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा, जब वो साइंस के स्टूडेंट थे तो जनरल साइंस में से भी वो 25 में से लगभग 12 या 14 तो 100% कर ही देंगे, तो देखिए उनके लिए कितना फ़ायदा रहेगा ये। आप सभी, अगर आप भी साइंस के स्टूडेंट हैं तो, और देखिए इसमें नीचे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, और ये देखिए किस तारीख को आया है, 29 तारीख को आया है ये नोटिस। तो जैसे ही नोटिस आया है, हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया गया है, और बिल्कुल मैंने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया है अपनी इस वीडियो को बनाने में। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इस भर्ती को लेकर बहुत सारे नोटिस आने वाले हैं, क्योंकि अब परीक्षा का नोटिस भी आने वाला है, किस तारीख को किसका एग्ज़ाम होने वाला है, और क्या तरीका है एग्ज़ाम का, किस तरीके से आपको जाना है, क्या 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 वो प्रोसेस है। तो ये सब दोस्तों मैं आपको बता रहा था अपनी इस वीडियो में, और कमेंट के माध्यम से आप बता भी सकते हैं कुछ अन्य बातें जो आपके मन में हो, या फिर कुछ आप इस भर्ती को लेके मेरे से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। आपने यह वीडियो देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।